हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल चुरू टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की क्लास को लेकर हम फिर से आपके बीच हैं। व्यंजन संधि आप लोग पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि के 9 नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। कैसी लग रही है क्लास बताते जरूर जाना। और आज की क्लास में व्यंजन संधि के बचे हुए 4 नियम है, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आज आपकी व्यंजन संधि का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 10 की तरफ। 13 ही नियम है व्यंजन संधि में। अगर 13 नियम आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे तो व्यंजन संधि आप इन फ्यूचर कभी नहीं भूलोगे, ऐसा विश्वास है मुझे। तो देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 10 क्या कहता है कि अगर मैं के बाद, किसके बाद, मैं के बाद जो आने वाले व्यंजन है उनको ध्यान रखना, ये, रे, ले, वे, 4 तो हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में श, श, स, ठीक है, 3 हो गए आपके उष्म व्यंजन। और इसके अलावा क्ष, त्र, यज्ञ, संयुक्ताक्षर, बचे हुए सारे ले लिए हमने। अभी तक हम बात कर रहे थे कैसे लेकर मैं तक के स्पर्श व्यंजनों की। अब जो भी अपने पास बचा है, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर, आपके वर्णमाला में कुछ भी हमने नहीं छोड़ा। और ये अगर आते हैं मैं के बाद में, तो मैं का क्या होता है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है। मैं सीधा सीधा अनुस्वार में बदल जाता है, मैं का हो जाएगा अनुस्वार। किस तरह से, देखिए, जैसे शब्द लिया हमने सम प्लस योग, सम प्लस योग, ठीक है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन का पहला आ गया है आपके पास में मैं, सॉरी यह, और यह अगर आया है पीछे मैं है, तो मैं किस में जाएगा, अनुस्वार में, और शब्द बन जाएगा अपने पास संयोग, ठीक है। ध्यान देना, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं इस नियम को, कि अगर मैं के बाद अंतस्थ व्यंजन हो, उष्म व्यंजन हो, संयुक्त अक्षर हो, तो उनमें क्या होगा, मैं का अनुस्वार हो जाएगा। और इसी तरह से अपना शब्द बना है सम प्लस योग बराबर संयोग। आगे देखिए, अगली हम बात करें किम प्लस वा, ठीक है, किम प्लस वा, तो शब्द बनेगा अपने पास मैं का अनुस्वार होकर किम वा, ठीक है। आगे आप और शब्द देख सकते हैं, जिस तरह से हम बात करें कि शब्द लिया हमने सम और शब्द हमने ले लिया सार, क्योंकि हमने यहाँ पे उष्म व्यंजन की भी बात की है, सम प्लस सार, तो मैं का बनेगा अनुस्वार और शब्द बन जाएगा अपना संसार, ठीक है, शब्द बन जाएगा अपने पास संसार। तो संसार जो शब्द है उसमें नय नहीं है, मैं उपसर्ग है और शब्द बनता है संसार। और देखते हैं एग्जाम्पल इसका, स्वयं, स्वयं प्लस वर, देखिए वर भी इसमें शामिल है ना, व, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो यह देख लिया, वह और देख लेते हैं, वह पहले भी देख चुके हैं, एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, स्वयं वर, तो मैं का बन जाता है आपके अनुस्वार। इस तरह से व्यंजन संधि का आपका नियम नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे व्यंजन संधि के नियम नंबर 11 की, इसको लिख लेना साथ में। व्यंजन संधि के आपके 3 नियम और बचे हैं व्यंजन संधि के, और इसके साथ ही आपकी व्यंजन संधि जो है वो आज पूरी हो जाएगी। बात करेंगे व्यंजन संधि के नियम नंबर 11 की, 10 नियम व्यंजन संधि के हम लोग देख चुके हैं। व्यंजन संधि का नियम नंबर 11, नियम नंबर जो 11 है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, इसमें 2 बातें आएगी। व्यंजन संधि के नियम नंबर 11 में 2 चीजें हैं कि अगर परि या सम, 2 उपसर्ग हैं, परि और सम दोनों ही क्या है, उपसर्ग हैं, और इनके बाद अगर क्रि धातु को लेकर कोई भी शब्द आता है, यानी क्रि से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आता है, तो अगर परि उपसर्ग है तो उसके बीच में मूर्धन्य ष का आगमन हो जाता है, अगर सम उपसर्ग है तो उसके बीच में स दंते का आगमन हो जाता है। कैसे, देखना, जैसे दोनों का एग्जांपल लेते हैं हम, एक लेते हैं इधर परि और इधर लेते हैं हम सम, दोनों का एक साथ एग्जांपल देखना।
कि होता क्या है दोनों में, क्योंकि दोनों उपसर्ग है ये, परी और सम दोनों उपसर्ग हैं। इसके साथ मैंने पहले जोड़ा कार, परी के साथ हमने जोड़ा कार, तो शय कौन सा आएगा, मूर्धन्य शय आएगा और शब्द बनेगा परिष्कार, शब्द बनेगा परिष्कार। इसी तरह से अगर हम सम के साथ कार जोड़े तो कौन सा से आएगा, से हो जाएगा अपने पास दंते से, इसका बीच में आगमन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आपके संस्कार। इस तरह से अब ये जो मैं है ये चला गया है अनुस्वार में, ठीक है, ये से इसी कारण से आया है, इस नियम से आया है, ठीक है। आगे हम और देखते हैं इसको, परिकृति, परिकृत ले लो, परिकृत तो शब्द बनेगा परिष्कृत, ठीक है। इधर और लेके देखिए आप, सम के साथ उपसर्ग लिया हमने कृत, तो मैं अनुस्वार में चला जाएगा और शब्द बनेगा संस्कृत। ये से का जो आगमन हुआ है, से जो आया है ना बीच में आधा, ये इसी नियम से आया है, ठीक है। और देखिए एग्जांपल इसके, परी कृति, कृ धातु चल रही है सब में करने के योग में, तो शब्द बनेगा यहाँ पे परिस्कृति। और अगर इसको हम सम के साथ जोड़े कृति को तो शब्द बनता है संस्कृति, संस्कृति, ठीक है। ये है आपका व्यंजन संधि का नियम नंबर 11 कि परि या सम उपसर्ग आता है कहाँ, जब कृ धातु के योग में परि या सम उपसर्ग आता है, तो अगर परि उपसर्ग है तो मूर्धन्य शय का आगमन होगा और सम उपसर्ग है तो दंते शय का आगमन होकर इस तरह से शब्द निर्माण हो जाएंगे, व्यंजन संधि का नियम नंबर 11। आगे हम बात करेंगे व्यंजन संधि का, बचे हुए जो दो नियम है उनकी, व्यंजन संधि का नियम नंबर 12 और 13 की बात करके आज हम व्यंजन संधि को कंप्लीट कर देंगे। और व्यंजन संधि उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना जरूर, अच्छी लगी तो भी बताना और अगर कुछ कमी है तो भी जरूर बताना। अब बात करें व्यंजन संधि के नियम नंबर 12 की, कि अगर 12वां नियम क्या कहता है, ई उ ए या आई के बाद अगर आपके पास से आए, ठीक है, और से आए तो क्या होता है कि से के बाद जो भी व्यंजन है, जो भी वर्ण है वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगला जो व्यंजन है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं, अभी तृतीय वर्ण में चला जाएगा, कैसे, जैसे शब्द आया प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान, तो जो थ है वो क्या करेगा, वो थ अपने इसके टै के जो टै वर्ग होता है ना, ये तय वर्ग का है, देखो तय वर्ग जो है वो किस में चला जाएगा, तय वर्ग में चला जाएगा व्यंजन तृतीय, क्योंकि तीसरा व्यंजन है तो वो इसके इसी में जाएगा। किस तरह से, शब्द बनेगा प्रतिष्ठान, इसी तरह से अनु प्लस स्थान, शब्द बन जाएगा अनुष्ठान। इस तरह से व्यंजन संधि का नियम नंबर 12 कहता है कि ई उ ए आई के बाद में अगर शय दंत्य आता है तो वो बदलेगा मूर्धन्य में, मूर्धन्य में चला जाएगा, और जो आपका तय वर्ग है वो तय वर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। आगे व्यंजन संधि का नियम नंबर 13 और अंतिम नियम व्यंजन संधि का, इसी के साथ अपनी व्यंजन संधि जो है वो अभी पूरी हो जाएगी और उसके बाद अपने पास संधि की क्लास में सिर्फ संधि के टॉपिक में एक बचेगी विसर्ग संधि, उसके भी 5-4 नियम हैं जिनको हम पूरा करेंगे, ठीक है। और व्यंजन संधि का अंतिम जो नियम है वो क्या कहता है, कि अगर पीछे ई री रे या श
ये चार हैं और इनके बाद अगर न वर्ण आए तो जो न है ये न अण में बदल जाता है। ई री रे और श, अगर ये वर्ण आए और इनके बाद में अगर न आए, ये व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, नियम नंबर 13। अगर इनके बाद में न वर्ण आता है तो न है वो अण में बदल जाता है। कैसे देखते हैं, शब्द लिया हमने कृष न, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि शय है तो शब्द बनेगा अपने पास, शब्द बन जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है। आगे देखते हैं, परी प्लस नय, अब न कहां जाएगा, न का हो जाएगा अण और शब्द बन जाएगा परिणय, इस तरह से परिणय, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, शब्द लिया हमने प्र और आगे लिया न, अब ये र लग रहा है, ये र है क्योंकि प आधा है, र नीचे है इसलिए पूरा है, तो शब्द क्या बनेगा, प्र और न बदल जाएगा आपके अण में तो शब्द बनेगा प्रण। इस तरह से व्यंजन संधि का नियम नंबर 13 और इसी 13 नियम के साथ आपकी व्यंजन संधि यहाँ पर पूरी हो जाती है। आगे अपने पास बचेगी सिर्फ एक विसर्ग संधि, जिसकी बात हम आगे की क्लासों में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।